वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है, मगर इससे उत्तराखंड के लोगों की टेंशन बढ़ गई है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव की वजह से उत्तराखंड के यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे कई छात्र छात्राओं के परिवार चिंतित हैं। और छात्रों के परिवार से बातचीत की है हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने, सुनिए। घोषित तौर पर यूक्रेन पर रूस का हमला हो चुका है और ऐसे में कई परिवार ऐसे हैं देहरादून के भीतर भी जिनके बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। एक परिवार हमारे साथ है। मैम, सबसे पहले आप बताइए कि वहां पर आपका बेटा पढ़ता है, अभी क्या बातचीत हुई है उनसे? बातचीत ये हुई कि बेटे ने, हम उसको यहाँ बुला रहे हैं कि तुम यहाँ आ जाओ, लेकिन उसके एग्ज़ाम के कारण उसने कहा मम्मी मैं लेट आऊँगा, तो अब तब तक फिर जंग छिड़ गई, तो भगवान ये करे कि वहाँ पे सामान्य हालात हो जाएं और बच्चा मेरा ठीक ठाक घर पहुँच जाए। अभी लास्ट बात आपकी कब हुई है? लास्ट बात मेरी आज सुबह ही हुई थी, तो उसकी फ्लाइट 23 तारीख की थी, लेकिन जब तक पता चला तब तक तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे ही हमला हो गया, तो बच्चे आएंगे कैसे। तो अभी जब आपकी बात हुई तो क्या बताया बेटे ने आपके कि किस तरीके के हालात हैं वहाँ पे? तो कह रहा था कि मम्मी सामान्य हालात है, इस कारण उसने कहा कि मैं थोड़ी लेट आऊँ। जो एग्ज़ाम थे तो कब तक आने के लिए कहा था? आने के लिए तो उन्होंने कहा था कि मैं 15 मार्च तक आऊँगा, लेकिन तब तक ऐसे हालात। तो अभी आपने जो बात हुई है सुबह, तो फ्लाइट कर दी है, तो अब कब आने का है? अभी तो फ्लाइट तो हमने उसकी कर दी, लेकिन जब वहाँ पे बम ब्लास्ट हो गया एयरपोर्ट में, तो अब तो बच्चा पता नहीं कब आएगा, दिक्कत तो है। मेरी वहाँ पे कुछ और लोग भी हैं उनके साथ में? उनके साथ वहाँ बिहार के और वहाँ के दिल्ली के बच्चे हैं साथ में। आज मुख्यमंत्री भी बातचीत की है पीएमओ कार्यालय से, तो किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जो सहायता मिल सके सरकार की ओर से? मेरी मुख्यमंत्री जी से अपील है कि बच्चों को किसी न किसी तरह से वो इंतजाम करें कि हमारे बच्चे राज्य से घर आ जाए। ये माँ हैं और इनका बेटा जो है यूक्रेन में पढ़ता है, जिनको जल्द अभी घर वापस आना था, लेकिन कुछ एग्ज़ाम की वजह से देरी हुई है। अभी इंतज़ार है कि सब कुछ हालत सामान्य हो। सरकार से भी अपील है, उम्मीद भी है कि वो जिस तरीके से हालात वहाँ पर हो रहे हैं, जो भारतीय हैं, जो यहाँ के स्टूडेंट खासतौर पर छात्र छात्राएँ काफ़ी संख्या में वहाँ पर पढ़ती हैं, वो जो है जल्द से जल्द वापस आएँ। अपने सहयोगी सोन परमार के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जंग छिड़ गई है और ऐसे में यूक्रेन में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की वापसी के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री कार्यालय से संपर्क भी किया है। पीएम ने कहा कि राज्य के एक एक नागरिक को सकुशल लाया जाएगा। देहरादून के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं यूक्रेन के तमाम शहरों में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, जो कि इस वक्त वहां पर फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि कैंतुरा जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, क्योंकि यूक्रेन में हालत बहुत गंभीर है, जंग छिड़ चुकी है, लेकिन उत्तराखंड के कई छात्र छात्राएं जो कि मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, उनके परिवारजनों से भी आपने बात की, साथ ही साथ ये भी अपडेट दीजिएगा कि सरकार की तरफ से क्या बातचीत की जा रही है, क्योंकि पीएमओ कार्यालय से भी संपर्क सीएम ने किया था, उसको लेकर अपडेट क्या है? जी जी, देखिए यूक्रेन में जो हालात बन रहे हैं, और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएमओ कार्यालय से बातचीत की है, और जो भारतीय वहां पर हैं और उन लोगों की वापसी के लिए पूरे प्रयास जो है भारत सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो अभी तक जानकारी मिली है, तकरीबन 32 ऐसे छात्र छात्राएँ हैं जो अभी यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर वो फंसे हुए हैं, क्योंकि खासतौर पर कई छात्रों को वापस आना था, लेकिन उनकी फ़्लाइटें रद्द हो गई हैं। वहाँ पर जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, काफ़ी बाजार बंद हैं और लोगों को काफ़ी दिक्कतें वहाँ पर हो रही हैं। जो आवाजाही है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। तो इसी वजह से अब सरकारें ये कोशिश कर रही हैं कि यहाँ के जो छात्र छात्राएं वहाँ पर पढ़ाई कर रही हैं, उनको अब वापस सकुशल लाया जा सके। तो इसी वजह से आज मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ी पहल की है, पीएमओ से उनकी बातचीत हुई है और वहाँ पर किस तरीके से आगे की जो है उनको लाने के लिए किस तरीके से आगे के कार्य किए जाने हैं, उसको लेकर महत्वपूर्ण बातचीत हुई है। तमाम लोगों को भी ये आश्वस्त मुख्यमंत्री ने किया है, जिनके भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, कि वो बिल्कुल चिंता ना करें और जल्द से जल्द उनको सकुशल उनके वतन वापस लौटाया जाएगा। तमाम परिवारों से हमारी बातचीत हुई है, जहाँ पर अभी अपने बच्चों का इंतजार है, और जिस परिवार से हमारी बातचीत हुई, जिन दर्शकों को हम अभी जिस परिवार को बता रहे थे, उनकी आज मॉर्निंग में ही अपने बच्चे के साथ बातचीत उनकी हुई है, और उन्होंने कहा है कि जहाँ पर वो इस वक्त रह रहे हैं वहाँ पर कुछ हालात सामान्य हैं, क्योंकि कई जगह वहाँ पर ऐसी है जहाँ पर हालात बिगड़ गए हैं, लेकिन कई जगह ऐसी जहाँ पर हालात सामान्य हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ अब धीरे धीरे जो बिगड़ती हुई यूक्रेन में नज़र आ रही हैं, उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है कि तमाम जो लोग हैं वो वहाँ से वापस आना चाहते हैं,
लेकिन आज जिस तरीके से अगर हम बात करें तो ये एयरपोर्ट पर वहाँ पर हमले की सूचना आई है, उसके बाद जो फ्लाइटें हैं वो रद्द हुई हैं, ये एक बड़ा वजह और बड़ा कारण बन गया है ऐसे लोगों के लिए। लेकिन कोशिशें हैं और इसमें सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। खुद मुख्यमंत्री ने ये आश्वासन दिया है कि जितने भी 30 से 32 जो छात्र छात्राएं हैं, जो जानकारी मिल रही है, उनको सकुशल वापस लौटाने के लिए सरकार उनके परिवार के साथ है। जी जी बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी के लिए।